प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ली गई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम के अमले ने उन अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी जो सरकारी जमीन पर किए गए हैं। निगम ने 15 ऐसे निर्माण को ढहा दिया जिन्हें भूमाफियों ने शह देकर बसाहट कर दी थी। जिस समय जिला प्रशासन और निगम का अमला कार्रवाई करने पहुंचा तो निर्माण करने वाला कोई भी शख्स सामने नहीं आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा ली गई उच्च स्तरीय बैठक के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम के अमले ने उन अवैध निर्माणों को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी जो सरकारी जमीन पर किए गए। निगम ने 15 ऐसे निर्माणों को ढहा दिया जिन्हें भूमाफियों ने शह देकर बसाहट कर दी थी। जिस समय जिला प्रशासन और निगम का अमला कार्रवाई करने पहुंचा तो निर्माण करने वाला कोई भी शख्स सामने नहीं आया और निगम का अमला एक के बाद एक अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करता रहा। इंदौर नगर निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिस जगह से अवैध निर्माण को ढहाया गया वो जुग्गन नगर और आशा नगर के बीच की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। इस जमीन का खसरा नंबर 445 और 459 है। इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। देखिए आज जो कार्रवाई है ये खजाना थाना क्षेत्र के अंदर MR 9 पर खसरा नंबर 455 और 459 ये है। ये जुग्गन नगर और आशा नगर के बीच की जगह है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो निर्माणाधीन मकान है वो पूर्ण रूप से अवैध हैं। इस जगह पे हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई करी थी और यहाँ पे जो अवैध मकान थे हटाए थे। वर्तमान स्थिति में 15 से ज़्यादा मकान यहाँ पे निर्माणाधीन हैं जिनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। निगम ने अवैध निर्माण को ढहाने के बाद अब उस भूमाफिया की तलाश शुरू कर दी जिसने जमीन पर अवैध कब्जा करवा कर निर्माण करवा दिए थे। जैसे ही जिला प्रशासन और निगम के अमले ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की अवैध भूमाफियों में हड़कंप मच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज़, इंदौर।